नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे से स्वागत करती हूं। दोस्तों, मैं आज आपको हल्की फुल्की अपने गार्डन की सैर कराते हुए कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूं जो आपके लिए आवश्यक हो सकता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख लेना। दोस्तों, इस गर्मी में, चिलचिलाती धूप में हरे भरे पौधे बहुत दिल को सुकून देते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़े से हरियाली आपको बोकारो गार्डन की दिखा दूं। वैसे तो मैंने मिर्ची पर आपको ढेर सारे वीडियो डाले हुए हैं, लेकिन मिर्ची किस तरह से फ्लावरिंग कर रही है और आप देख सकते हैं कि इसमें मिर्च भी लगे हुए हैं। दोस्तों, ऐसे तो ये जो कुछ भी है आप इसको पहचान लोगे तो बताओगे, लेकिन इसकी वीडियो मैं हैप्पी लाइफ विद बोकारो गार्डन में डिटेल में डालूंगी, क्योंकि मुझे इसके फ़ायदे आपसे शेयर करने हैं। ऑर्नामेंटल चिली पक गए हैं और सीड तैयार हो रहे हैं। मैं आपसे एडेनियम भी शेयर करना चाह रही थी, लेकिन क्या करूं, ये जब तक मैं आई हूं तब तक सारे फ्लावर इसके समाप्त हो रहे हैं, गिर गए हैं। और ये देखो, यहाँ सारे फ्लावर इसके गिरे हुए दिखाई दे रहे होंगे। एडेनियम में सीड बनने की प्रक्रिया तभी होती है जब यहाँ पर कोई आप सुगंधित पौधे को रखें और उस पर मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाई, ये सब आकर के, तितली, ये सब आकर के उस पर बैठती है, तो फिर आपका सीड बनकर तैयार होता है। तो आप देख रहे होंगे कि सीड बनने के लिए भी मुझे लग रहा है कि इसमें तैयारी चल रही है। जब सीड बनेंगे तब भी मैं आपसे शेयर करूँगी। जहाँ तक सुकून की बात है, हरे भरे पौधे बहुत सुकून देते हैं, दिल को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साथ ही आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा धूप से ये जल भी जाते हैं। तो थोड़े से ऐसे पौधे को अभी आपको छाए में रखने की आवश्यकता होती है। छाए में या ग्रीन हाउस में इसको रखें तो बेहतर रहता है। बुगनवेलिया की बोनसाई इस तरह से आपका फ्लावरिंग कर रहा है। इसकी रूट आप यहाँ देख रहे होंगे, फ्लावर आपको ढेर सारे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सदाबहार की तो कहना ही क्या, हर तरह सीड से ये खुद ब खुद तैयार हो जा रहा है। दोस्तों, प्लूमेरिया, चंपा, ये भी अभी काफ़ी खिल रहा है। इस पौधे को पहचानते हैं तो नाम ज़रूर शेयर करें। मैंने इस पर वीडियो डाली थी, लेकिन आपने देखा है या नहीं देखा है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक बार आप लोगों का टेस्ट भी ले लिया जाए कि ये कौन सा पौधा है जो इस तरह से फ्लावरिंग कर रहा है। हाँ, तो आप बात कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मैं वो बात तो बता ही नहीं रही हूँ जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो ये आप देख रहे हैं, मुसुंडा का पौधा है। ये इस तरह से फ्लावरिंग किया है। ज़्यादा अगर इसको अच्छी खुराक मिल जाए तो देखो ये कितना फ्लावरिंग करता है। इसके रूट जमीन में हैं और इसकी टहनियाँ आप देखोगे यहाँ से झुक गई है और ज़मीन को छू रही है। बाकी गमले पर भी ये पूरा गिरा हुआ है, तो इसको मुझे कट करके हटानी थी, तो मैंने सोची चलो आपसे एक बात शेयर कर दूँ कि मुसुंडा का पौधा, इसमें जो फ्लावर आते हैं बहुत भारी होता है, तो इसको आपको स्टैंड देने की आवश्यकता होती है। अगर आप इसको सहारा नहीं दोगे तो इसी तरह से झुक जाता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि मुसुंडा का पौधा जब भी लगाएं तो उसको आप अच्छे सहारे देने की व्यवस्था जरूर रखें। साथ ही थोड़ी खुराक कम दें। ज़्यादा खुराक दे देने से आप देख रहे होंगे कि ये किस तरह से फ्लावरिंग किया है और कैसे ये पूरा का पूरा गिर करके नीचे ज़मीन में आ रहा है। आप इसको दूर से मैं दिखा रही हूँ, आप देखोगे इस तरह से पूरा का पूरा पौधा ज़मीन पर टहनी के साथ झुककर आ गया हुआ है। तो दोस्तों, अब आप भी अपने पौधे का ख्याल रखें। जो डेलिकेट पौधे हैं उनको छाए में ले जाएं, ग्रीन हाउस में ले जाएं, और जो इस तरह से हैवी फूल वाले हैं, ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाले हैं और जिनके फूल फ्लावर वजनी होते हैं, भारी होते हैं, उनको सहारे की आवश्यकता होती है, उनको सहारा दिया करें। दोस्तों, ऐसे दिखाने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं वीडियो को लंबा नहीं करते हुए यहीं पर आप लोगों से विदा ले रही हूँ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी,
तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।